हेलो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप बहुत कम पैसे में एक डिस्पोजल ग्लास के थ्रू, जो कि मार्केट में 2 या 3 रुपए की मिलती है, उसके थ्रू आप मदर मॉलीज और गप्पीज के द्वारा डिलीवर की हुई बेबीज को सेफली बचा सकते हो उन बड़ी मछलियों से या अपनी खुद की मदर मॉली और गप्पीज से। जैसा कि जो लोग भी गप्पी और मॉलीज पालते हैं उन्हें पता है कि बच्चे डिलीवर करने के बाद मदर मॉली और गप्पीज खुद ही अपने बच्चों को खाने लगती है, जिसकी वजह से आप जब सुबह एक्वेरियम चेक करने जाते हो तो मुश्किल से आपको 5 या 10 बच्चे ही दिखते हैं और आपको लगता है कि यार इसने तो 5 या 10 बच्चे ही दिए, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ऑन एन एवरेज 30 से लेकर 60-70 तक बच्चे देती है एक छोटे से छोटी मॉली और गप्पी फिश। तो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि एक डिस्पोजल ग्लास को आप मार्केट से खरीद के, जो कि 2 या 3 रुपए की आती है, आप कैसे उससे नेस्ट बना सकते हो और इजीली, अगर आपके पास एक्वेरियम नहीं भी हो तो आप छोटे से कंटेनर, टब, बाल्टी वगैरह किसी में भी आप इस प्रोसेस को फुलफिल कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों को ज़िंदा बचा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। इसमें मैं आपसे बताने वाला हूँ कि बच्चों की केयर भी कैसे करते हैं और आगे आप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल पाओगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो आपको करना क्या है कि एक डिस्पोजल ग्लास लेना है प्लास्टिक का और इसमें छोटे छोटे होल्स करना है। ये होल्स आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से कर सकते हो गर्म करके, या कोई भी मेटल से आप चाहो तो गर्म करके आप कर सकते हो, बट आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि होल ज़्यादा बड़े ना हो ताकि मदर मॉली इससे बाहर ना सके। फिर पूरे डिस्पोजल में होल करने के बाद आपको इसे कंटेनर में, जिस कंटेनर में भी आप चाहो बेबीज डिलीवर कराना, उस कंटेनर में आपको इसे पिनअप कर लेना। ये पिनअप आप चाहो तो जो क्लॉथ पिन होता है उससे आप कर लो, या जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उससे इजीली कर सकते हो। बट मैंने अभी इसे में कूलर के पुराने कूलर में डाला है और आप देख सकते हो कि पानी का लेवल कम है। मैं पहले इसमें पानी ऐड करूँगा और आपको फिर दिखाता हूँ कि करना क्या है। इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया फ्रेंड्स, और पानी इतना ऐड किया ताकि उसमें जो फिश है मदर गप्पी जो वो कंफर्टेबल है, और आप देख सकते हो कि पानी का लेवल ऊपर तक है। फिर मैं इसमें फिश ऐड करने जा रहा हूँ। ये एक मदर गप्पीज है जो कि फुली लोडेड है। फुली लोडेड मीन्स रेडी टू डिलीवर बेबीज। ये अब 1-2 दिन में बेबीज को डिलीवर करने वाली है। अब मैं इसे आपको दिखाता हूँ। ये एक मदर गप्पीज है, इसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फुली लोडेड। इसका जो साइन होता है रेडी टू डिलीवर बेबीज का वो ये है कि इसका पेट जो है वो स्क्वायर शेप का हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बैलून शेप का दिखता है। इससे पता चलता है कि 1-2 दिन में बच्चे देने वाली है। फिर इस फिश को, जो कि आप देख सकते हो कलर इसका ब्लैक और ब्लूइश टाइप का है, एक बहुत ही खूबसूरत सी फिश है गप्पीज फिश। इसे मैं उस डिस्पोजल में डालता हूँ जिसमें मैंने होल्स किए थे, और आप देख सकते हो कि इसमें ये कंफर्टेबल होगी और आप चाहो तो इसे में इस छोटे से डिस्पोजल में आप इसको फीड कर सकते हो 5-6 दाने दे के। ये इस डिस्पोजल से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, बस होल्स इतने मीडियम साइज़ के होने चाहिए थे। और जब भी ये बेबीज डिलीवर करेगी तो वो जो बेबीज हैं वो छोटे छोटे होल से बाहर निकल जाएगी पानी में और आपके सारे बेबीज सेफ रहेंगे। मैंने दो दिन के बाद जब मैं उसे चेक करने गया, 2 दिन के बाद आप देखो रिजल्ट क्या था। 2 दिन के बाद मुझे छोटे छोटे बेबीज गप्पीज के दिखने लगे उस पानी में, और अप्रॉक्स मैं बता दूँ तो आपको 50-60 छोटे छोटे बेबीज अप्रॉक्स होंगे उसमें। और ये जो आपको बड़ी थोड़ी सी जो बड़ी फिश दिख रही है वो अप्रॉक्स 10 या 15 दिन पहले की बेबीज़ हैं, जो कि गप्पी फिश के ही हैं। बट ये जो छोटे वाले आपको इतने सारे बेबीज दिख रहे हैं, ये सारे उसी फिश के जो मैंने अभी आपके सामने डाला था मदर गप्पी फिश को। आप देख सकते हो कितने सारे बेबीज इसने दिए हैं एक रात में, और मेरे सारे बेबीज सेफ थे। और उस बेबीज़ दे देने के बाद मैं जल्दी से उस डिस्पोजल से उस मदर गप्पीज को निकाल के फिर वापस से एक्वेरियम में डाला हूँ। और मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि इसे फीड कैसे करना है। ये जो छोटे छोटे फ्राइज होते हैं या गप्पीज के छोटे बच्चे, इनको आप क्या करो कि जो खाने आते हैं फिश के उसको आप अच्छे से बुक लो छोटे छोटे पीसेस में, और फिर इसको दिन में 2 बार या कम से कम 1 बार फीड कर सकते हो। ओवर फीडिंग भी नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और उनकी डेथ हो जाएगी। तो आपको बस लिमिट में फीड करना है, और उसके बाद आपको जो वो पूरा वाटर कंटेनर है उसमें आपको 1-2 बार दिन में पूरा स्पाइरल वे में उस वाटर को मूव करना है। ताकि इससे होता क्या है कि जब पानी मूव करती है तो ये उसके अगेंस्ट में स्विम करने की कोशिश करते हैं, और इस ये हेल्प करता है इनको अपने फिन्स को ग्रो फास्टर ग्रो कराने में, जिससे इनका ग्रोथ जल्दी से जल्दी होता है। और फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसे टाइम टाइम पे थोड़ा 15-10 दिन के बाद आप चाहो तो इसका आधा पानी चेंज कर सकते हो, बट मैक्सिमम ज़्यादातर पानी ना ही चेंज करो तो बढ़िया है, क्योंकि ये न्यू वाटर इन्वायरमेंट में जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाती हैं बेबीज़। मैं आपको इस बेबीज़ का अपडेट देता रहूँगा हर 10-15 दिन पे। तब तक के लिए आप देख सकते हो कि ये बेबीज़ कितने हेल्दी हैं सारे और आपस में इतने अच्छे से मूव कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।